नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हम निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हैं और सभी निवेशकों के लिए रिटायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अभी यंग है, मतलब आपकी उम्र कम है और इस लक्ष्य से आप अभी दूर हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं और निवेश के लिए आपके सामने विकल्प भी बहुत हैं। लेकिन अगर आप रिटायर हो चुके हैं और अब आप अपनी जमा पूंजी से आगे की जिंदगी के लिए रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो आपके लिए पूंजी की सुरक्षा बहुत मायने रखती है। क्या है निवेश के ऐसे विकल्प जहां से आपको रेगुलर कमाई भी हो और पैसे भी आपके सुरक्षित रहे, बताएंगे आज हम आपको। और इसमें हमारा साथ देंगे रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? हर्ष की आवाज एकदम ही नहीं आ रही है। हर्ष, कुछ बोलेंगे आप? एक बार फिर से आपका ऑडियो चेक ले लें हम। हाँ जी, अभी आ रही है आपका आवाज? हाँ, थोड़ा सा अगर आवाज तेज या ऊंची कर लेंगे तो सुनने में आसानी होगी। ठीक है जी, कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में कहा हर्ष, कि पिछले कुछ दिनों में कई दफा ये सवाल भी आए थे और वो सब सवाल 60 प्लस जो एज ब्रैकेट था वहां से आए थे, जहां पे कई निवेशक बहुत ही अग्रेसिव थे अपने निवेश को लेके। हालांकि उन्हें कमाई चाहिए अपने निवेश से, लेकिन उनका जो फोकस था वो इक्विटी पे बहुत ज्यादा था। और अभी का हाल, अभी के जो हालात है पिछले कुछ हफ्ते महीनों में, इक्विटी बहुत ही रिस्की खेल उनके लिए हो सकता है। तो वैसे में आज हम फोकस कर रहे हैं कि सेफ्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी उनके पैसों को, साथ ही कहाँ से उनको जो उनका जो बेसिक गोल है कि रेगुलर इनकम होता रहे, वो भी जो पर्पस है वो सर्व हो सके। तो मेरे नजर में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, दिखता है, वो है बैंक एफडी। लेकिन बैंकों के साथ भी खबरें तो आती रही हैं आजकल। स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम, आप ये मानिए कि कोई भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड है, तो ये डेफिनेट एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें हर महीने का एक ब्याज मिले, एक फिक्स्ड अमाउंट बता दें उन्हें, कम हो ठीक है, कैपिटल सेफ होना चाहिए और उन्हें इंटरेस्ट रेगुलरली मिलते रहना चाहिए। सो एक ऑप्शन जो आपने बताया वो सही है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट। सो बैंक अगर आप चूज करते हैं, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप बैंक के साथ पैसे लगाते हैं वो बैंक भी बहुत सुरक्षित हो। कोई नेशनलाइज बैंक हो तो बेटर है, या बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक होनी चाहिए, ताकि हमने जो अभी बीच में बैंक्स की भी देखी कि कभी मॉनिटोरियम में जा रही हैं, कुछ और हो रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ी अपने कैपिटल के साथ चांस नहीं ले, वो वाली बात होती है। अगर हम ब्याज दरों की बात करें, तो ब्याज अगर सीनियर सिटीजन का भी हम जोड़ते हैं तो करीबन आपको 5.5 से लेके 7.3% तक का आज की तारीख में आपको ब्याज बैंक देती है, जो टैक्सेबल होता है। सो ये एक विकल्प जरूर है जिसके थ्रू आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देती है बैंक, जो कोई भी सीनियर सिटीजन ले सकता है। तो आजकल हमने ये बात भी की हुई है कि आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सिर्फ, पहले हम लोग सिर्फ इक्विटी में कहते थे या फिर पूरे निवेश पर भी कहते थे डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन बैंक एफडी को लेकर ये ख्याल पहले कभी नहीं आता था। आपको लगता है कि आज के वक्त में बैंक एफडी अगर करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है? अगर आप बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, कोई हार्म नहीं है अगर आप कोशिश करें कि भाई आप अगर दूसरी अलग अलग बैंक्स में कर लें, तो कम से कम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हालांकि आपने सही कहा कि आज तक हमने बैंक अलग बैंक्स में करने के लिए कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यही प्रोसेस भी बढ़ जाता है। अगर आप देखें, अगर आप अलग बैंक्स में डिपॉजिट्स कर रहे हैं, आपको अलग अलग बैंक्स में जाना भी है, उनका टीडीएस सर्टिफिकेट्स लेना है, या तो आपका नॉन डिडक्शन का जो फॉर्म्स है वो सबमिट करने होंगे, तो अलग अलग बैंक्स में थोड़ी दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिवली बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऐसी कोई बहुत बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक या बड़ी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें, सो डाइवर्सिफिकेशन करने की शायद इतनी जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी डर है तो प्लीज उसे डाइवर्सिफाई कर ले। थोड़ी मेहनत हमें करनी होगी ज्यादा, वो टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट।
ओके, तो बैंक में अगर आप चाहते हैं, आपकी उम्र अगर 60 साल के ऊपर है और आप रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर कमाई का जरिया भी देख रहे हैं अपनी अभी तक की जमा पूंजी से, तो आप बैंक एफडी एक ऑप्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और वहां पर आप डाइवर्सिफाई करने के लिए भी सोच सकते हैं। एक इसी बैंक एफडी की तरह ही एक दूसरा विकल्प है जो काफी सेफ है, वहां पर डर शायद शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, वो बहुत ही सेफ है, वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये ऑप्शन आपको कैसा लगता है हर्ष? तो आपने सही कहा स्वाति कि अगर किसी को थोड़ा भी डर है, थोड़ा भी शक है कि भाई बैंक्स अल्टीमेटली देखा जाए तो या तो लिस्टेड एंटिटीज हैं या यू नो सेमी ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, प्राइमरीली ओन्ड हो सकती है कि भाई मेजोरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की है लेकिन है तो आखिर में एक प्राइवेट लिस्टेड बैंक की है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको चांस नहीं लेना है तो पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट्स हैं ये इसमें डेफिनेटली बेहिचक होके कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसे जमा कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में पैसे देना मतलब आप राज्य सरकार या यू नो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, सो ये आपको डिफॉल्ट का कोई भी रिस्क नहीं होगा इसमें। और इंटरेस्ट रेट अगर हम तो इसमें जो लेकिन जो टाइम टेन्योर्स हैं वो 1, 2, 3 या 5 इयर्स का टेन्योर है, तो इसमें अगर आपको 6 महीने की करनी हो तो शायद आपको वो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पोस्ट ऑफिस में अगर करते हैं तो आपको वो डर कम से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर निवेश की कोई अधिकतम सीमा भी नहीं, तो कोई लिमिट नहीं है कि आपको कम से कम इतना या ज्यादा से ज्यादा आपको एक सर्टेन अमाउंट ही निवेश कर सकते हैं। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अगर करवाना हो तो क्या पोस्ट ऑफिस ही जाना जरूरी है या फिर ये बैंकों के जरिए भी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट करवाया जा सकता है? नहीं, आप बैंकों के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में ही जाना है, सो वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हालांकि क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस है उनका हर पिन कोड में एक पोस्ट ऑफिस रहेगी तो वो कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। नहीं तो आप बैंक्स जो सरकारी बैंक्स वगैरह हैं, डेजिग्नेटेड बैंक्स है, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और है कि मान लीजिए आपने अपना टाइम डिपॉजिट जो है वो आपने पोस्ट ऑफिस में खोला है लेकिन उसका जो इंटरेस्ट क्रेडिट का जो मैंडेट है वो आप अपनी एग्जिस्टिंग बैंक में भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में और आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहां पे अपना टाइम डिपॉजिट खोलते हैं, वहां पे ही आपको सेविंग्स अकाउंट ऐसा कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस को मैंडेट दे सकते हैं कि जो भी ब्याज आपका इस टाइम डिपॉजिट पे है वो आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें आपका ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट भी होना जरूरी है या उसी पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है। और बैंक एफडी जो 5 साल की होती है वहां पर टैक्स में छूट मिलती है लेकिन पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में वैसा कोई छूट नहीं होता, राइट हर्ष? सो अगर आपको एटीसी का बेनिफिट लेना है तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो बैंक्स जो 5 इयर्स की जो बात कर रही है लॉक्ड इन पीरियड होता है उसका, वो अगर आपको एटीसी सेक्शन एटीसी के तहत में अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है 1.5 लाख रुपए तक का तो आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट कर सकती है और वो लेकिन 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, उसमें आपको प्री मेच्योर विड्रॉवल वगैरह कोई ऑप्शन नहीं होते जी। और पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है उसमें ये क्वालिफाई नहीं होता, सो अगर एटीसी का बेनिफिट लेना है तो आपको बैंक की फिक्स डिपॉजिट ही करनी होगी 1.5 लाख रुपए तक की, और पोस्ट ऑफिस की कर रहे हैं तो जनरल फिक्स डिपॉजिट है जिस पर आपको आपका जो रेगुलर ब्याज आना है वो आपको मिलता रहेगा जी। तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जहां पर टेन्योर आपको 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का मिलेगा और जो ब्याज दर का जो रेंज है वो फिलहाल जो चल रहा है वो 5.5% से 6.7% के बीच में टेन्योर के हिसाब से आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में ही और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी अच्छे मुझे लगते हैं, खासकर जिसमें जो नाम है वो है पोस्ट ऑफिस MIS मंथली इनकम स्कीम। हर्ष, इस पे आपका क्या टेक है? वेल इनफैक्ट अगर हम सीनियर सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो ये होता है कि उन्हें हर महीने के उन्हें खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं जी। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो वो जो ब्याज है वो आपको मिलेगा वंस इन अ ईयर। आप अगर बैंक्स के पास जाते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें क्वार्टरली ऑप्शंस होते हैं, हाफ ईयरली या एनुअली होगा जी। लेकिन अगर आपको हर महीने का चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम की आपने बात की बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगेन एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की MIS मंथली इनकम स्कीम में सब्सक्राइब करते हैं इंटरेस्ट उसका जो हर महीने आता है वो आप अपनी कोई भी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई और अलग से आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। इसका अगर हम टेन्योर देखें तो 5 साल के डिपॉजिट है, 6.6%
जो ब्याज है आज की तारीख में 1 अप्रैल 2020 से जो रिवाइज हुए थे उसका जो ब्याज है वो है 6.6%। और इसमें अपर लिमिट जरूर है, इसमें आप सिंगल नाम पे आप 4.5 लाख रुपए की कर सकते हैं, और ज्वाइंट होल्डर अगर हैं तो 9 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें भी लेकिन टैक्स छूट नहीं होती है, राइट? इसमें भी 80C में आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी, और जो ब्याज आप कमाते हैं, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्सेबल है। ऑल राइट। अच्छा हर्ष, जब इसमें जो भी ये हम जिन स्कीम्स की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की, उसके ब्याज दर में हर क्वार्टर में सरकार चेंज करती है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये कैसे काम करता है ये अगर अपने दर्शकों को हम समझा सके कि अभी मान लीजिए कि मैंने अगर आज खोला तो ये अभी मुझे 6.6% मिलेगा और ये अगले 3 महीने के लिए मिलेगा, राइट? जी नहीं, इसमें ये है कि जो ब्याज दर ये फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो अगर आपने आज अपना MIS अकाउंट खोल लिया, ये 5 साल का डिपॉजिट है, सो आपको 6.6% अशोर्ड हो गया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, तो आपके लिए ये चेंज नहीं होगा क्वार्टरली, लेकिन जो ब्याज दरें हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेट से लिंक कर दिए गए हैं, सो आपके पिछले क्वार्टर का जो भी आपका G-Secs का जो यील्ड होगा, एवरेज यील्ड होगा, उसका 0.25% ज्यादा देने का एक प्रावधान है, मतलब दैट इज दी प्रोविजन। अब क्या होगा कि मान लीजिए अभी किसी ने MIS अकाउंट खोला है और 6.6% के हिसाब से उन्हें फिक्स हो गया है, ये इन्हें 5 साल तक मिलेगा। अब 3 महीने बाद जब ये रिविजन होता है, मान लीजिए रिवाइज होके 6.5% पे आ गया, 10 बेसिस पॉइंट्स घट गया, तब जो भी नई MIS की अकाउंट खोलेगा 3 महीने बाद, तब उनको 6.5% लागू होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो जब आप खोलते हैं MIS अकाउंट, उस दिन जो ब्याज दर है वो आपका फिक्स हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। ओके, तो एक बार जो फिक्स हो गया उसके बाद सरकार हर क्वार्टर जब चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे या आपके इंटरेस्ट पे नहीं पड़ेगा, वो आपको लगातार वही जिस पे आपने खुलवाया है जिस ब्याज दर पे वही चलता रहेगा हमेशा टेन्योर तक। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और भी ऑप्शंस जहाँ पर सीनियर सिटीजन निवेश कर सकते हैं अपना पैसा और जहाँ पैसे की सेफ्टी भी होती है, साथ ही आप वहाँ से रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं, उनके उस ऑप्शंस के बारे में हम बात जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनीगुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, ये जो शो है आज फोकस कर रहा है सीनियर सिटीजन्स पे, वो अपने पैसे कहाँ निवेश करें ताकि उनको रेगुलर कमाई भी होती रहे और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनके पैसे है वो भी सुरक्षित रहे। हमारे साथ रूमटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूमटा बने हुए हैं। हर्ष, इसी लाइन में अब जो अगला नंबर मेरी लिस्ट में है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आई थिंक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है और जो अधिकतम निवेश की सीमा है वो भी ठीक ठाक है यहाँ पे। जी हाँ स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं जो भी 60+ हैं तो उनके लिए डेफिनेटली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन एक स्टैंडर्डाइज बना दिया गया है, ऑल दोस जो 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो सिंपल है पॉइंट कि ये भी एक पोस्ट ऑफिस टाइप की ही डिपॉजिट समझिए, पोस्ट ऑफिस से इशू हो सकती है, बैंक से इशू करवा सकते हैं आप। इसमें 15 लाख की लिमिट है, आप जॉइंट होल्डर के रूप में सेल्फ एंड स्पाउस, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें आपके स्पाउस ही आपके जॉइंट होल्डर बन सकते हैं। ये आप 15 लाख तक की लिमिट है। ब्याज आपने सही कहा कि नॉर्मली अगर हम कोई भी डिपॉजिट देखें उससे कई ज्यादा है, तो 7.4% इसमें आज की तारीख में ब्याज दर है, और ये 5 साल का डिपॉजिट है। आप अभी अगर बुक करते हैं तो 7.4% आपको 5 साल तक आपको क्वार्टरली रूप में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो 7.4% एनुअलाइज इंटरेस्ट है तो आपको क्वार्टरली आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट में 15 लाख तक की लिमिट है हर्ष, अगर ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे इसमें खुलवा सकते हैं? जी हाँ, सो एक्चुअली देखा जाए तो ज्वाइंट अकाउंट हम बात कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर जब अकाउंट खोलते हैं तो 15 लाख की लिमिट है। तो फर्स्ट नेम आपका से हस्बैंड का हो गया, सेकंड नेम वाइफ का हो गया, तो आपने 15 लाख वैसे खोल लिए। अगर आप दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें वाइफ फर्स्ट होल्डर है तो वो 15 लाख की लिमिट उनको भी अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है। जी हाँ। ओके, और इसके तहत इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो ये टैक्स ट्रीटमेंट भी इसका बढ़िया है, एटीसी के तहत इनकम टैक्स छूट भी मिलती है आपको।
जी हाँ, सो ATC के तहत में जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा निवेश करते हैं तो टैक्स बेनिफिट, टैक्स की जो छूट है वो 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी। उसके अलावा ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिपॉजिट जैसा होगा। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखना होगा, जो ब्याज आता है, जो हम 7.4% की बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है, सो ये टैक्स फ्री नहीं है। जो भी आपको ब्याज आएगा वो आपकी इनकम टैक्स का जो भी स्लैब है आपका, उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होगा। और इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है, और इसको अगर एक्सटेंड करना चाहे तो 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जी हाँ, आप 5 साल बाद जब आप उसे एक्सटेंड करते हैं 3 साल के लिए, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 5 साल बाद जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो ब्याज होगा, एक्सटेंशन आपका वो रेट पे होगा। जैसे हमने बात की कि आज आपने इन्वेस्ट किया 7.4% में, ये 5 साल तक आपका फ्रीज हो गया। 5 साल बाद मान लीजिए ब्याज दरें 6.5% है, जब आप रिन्यू करने जाएंगे इसे आगे 3 साल के लिए, तब आपको 6.5% ही मिलेगा, नॉट 7.4%। तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें ये भी स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है क्या, कि अभी क्योंकि ब्याज दर एकदम से बहुत ज्यादा गिरावट उसमें हुई है, कटौती की गई है हाल फिलहाल में, तो अगर किसी को निवेश करना है तो अभी एक अमाउंट कर दें, क्योंकि 7.4% बुरा नहीं है लेकिन पहले की तुलना में कम है, करेक्ट? और कुछ दिनों बाद जब वापस से चीजें थोड़ी ठीक हो जाएं और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, तो फिर उस बढ़े हुए लेवल पे भी फिर से हस्बैंड ने कर दिया, वाइफ के नाम पे बाद में कर दे। अवैध स्वाति, ये कर जरूर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक इंटरेस्ट रेट आउटलुक देखते हैं कि यू नो कि इंटरेस्ट रेट की किस दिशा में इंटरेस्ट रेट जाने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इंटरेस्ट रेट की बढ़त देखेंगे। यू नो बढ़त मिलना थोड़ा मुश्किल है, बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, RBI ने भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, ये मुश्किल है कि हम ब्याज दरें बढ़ते हुए देखें। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप बुक करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 महीने रुक के कोई मीनिंग नहीं है, इससे अच्छा कि आप आज बुक कर लें, क्योंकि 7.4% के हिसाब से मिल जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ब्याज बढ़े, आई डोंट थिंक इतना यू नो पॉसिबल लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए आगे जाते हुए भी। ऑलराइट, तो जो बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है वहां पे कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई भी उसमें निवेश कर सकता है, लेकिन ये जो हमने बताया अभी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये खास तौर पे बुजुर्गों के लिए है, 60 साल की उम्र से ऊपर वालों के लिए, और इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बाकी जो ऑप्शंस हमने दिए उससे थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। एक इसी लिस्ट में एक और नाम आता है जिसके बारे में हर्ष हम लोग बहुत ज्यादा बात करते नहीं है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड्स, जो टैक्सेबल होता है, हालांकि जिसको हम लोग RBI बॉन्ड्स भी कहते हैं। जी हाँ, तो स्वाति, एक खाली पॉइंट मैं सीनियर सिटीजन के बारे में कंक्लूजन पॉइंट बताना चाहूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये सही है कि ये 60 इयर्स एंड अबव जो है उनके लिए ही है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ने अगर VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, और वो 55 साल से ज्यादा की उम्र है, तो वो जो भी VRS का अमाउंट है इनका, वो एक महीने के अंदर, VRS लेने के एक महीने के अंदर चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है अगर कोई 55 साल के ऊपर है और अगर उन्होंने VRS लिया है, तो जितनी VRS की अमाउंट है वो अमाउंट डेफिनेटली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम आएंगे आपके जो जो आपने प्रोडक्ट की बात की वो है RBI बॉन्ड्स। जी, तो ये पहले बहुत पॉपुलरली रिलीफ बॉन्ड्स कहलाते थे, RBI रिलीफ बॉन्ड्स जो हम बात करते हैं, जो टैक्स फ्री हुआ करता था, जो ब्याज उसमें मिलता था वो टैक्स फ्री हुआ करता था, और उसमें लिमिट थी 2 लाख रुपए की वगैरह लिमिट थी पहले। जी, ये अभी टैक्सेबल हो गए हैं, इनकी ब्याज दर जो है वो है 7.75% और ये टैक्सेबल है। तो पहले जो टैक्स फ्री हुआ करता था वो नहीं है और ये टैक्सेबल हो गया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है RBI के थ्रू, तभी RBI बॉन्ड्स कहलाते हैं, कि RBI बेसिकली एक इशुएंस एजेंसी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सो ये एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, तो 7.75 इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेबल भले ही है, लेकिन इसमें आपको जो भी देखें बाकी और इंटरेस्ट रेट, कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप देखें, उससे ज्यादा डेफिनेटली इसका ब्याज दर है। जी, और इसमें मैक्सिमम लिमिट भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको कुछ 15 लाख या 10 लाख ही निवेश करना है, आप कितना भी चाहें। लेकिन इसका एक शॉर्टकमिंग है इस प्लान में, इस ऑप्शन में, ये सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इश्यू होता है हर्ष। जी हाँ, सो ऑब्वियसली अभी ये सारी चीजें, अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए तो डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना होगा, और अगर देखा जाए तो डीमैट अकाउंट आज की तारीख में बैंक अकाउंट जैसे मैंडेटरी टाइप का ही है, अगर आप खुलवा लें उसमें बाकी सारी चीजें आप डीमैट में अभी कर सकते हैं। सो अगर और कहां, अगर आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की,
उनके लिए कन्वीनियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ये जरूरी होता है कि वो एक जगह जाए, उनका सारा काम हो जाए. सो जो भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है उसी बैंक के साथ आप डीमैट अकाउंट खोल लें. सो कभी कुछ काम पड़े तो भी आप उसी बैंक में जाएं और वहीं पे आपको सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाए. सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यस, डीमैट अकाउंट में करना होगा. इसकी एक रिस्ट्रिक्शन और है. सो बिसाइड्स द फैक्ट कि आपको डीमैट अकाउंट में ही लेना है, इसमें विड्रॉल ऑप्शंस नहीं है कोई भी. सो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा. अगर आप 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस फिर भी मिल जाता है. लेकिन जो भी विड्रॉल है उसके लिए आपको मिनिमम 6 इयर्स तक रुकना होगा. अगर आप 60 साल के, अगर इसकी मैच्योरिटी जो है हर्ष वो 7 साल की है. अगर आप 60 से 70 साल के बीच में हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 साल और 70 से 80 तो 5 साल और 80 से ऊपर हैं तो मैच्योरिटी 4 साल की होती है इसमें. नहीं जी, नहीं, इसमें एक्चुअली जो पीरियड है, टेन्योर है, वो 7 इयर्स का ही है. जी, ये जो हम बात कर रहे हैं 6 इयर्स, 5 इयर्स एंड 4 इयर्स का, ये है कि अगर आपको प्री मैच्योर इसमें से विड्रॉ करना है तो. ओके. सो मान लीजिए आप 60 साल के हैं और अब आपको आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये 7 साल के लिए आपका बॉन्ड, आपका ये बॉन्ड है 7 इयर्स के लिए. जी. लेकिन अगर आपको, क्योंकि आप 60 इयर्स एंड अबव हैं, अगर आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसमें से निकाल सकते हैं. ओके. अगर आप 70 साल के ऊपर है तो 5 साल के बाद आपको मिनिमम रुकना होगा, और अगर आप 80 साल के ऊपर है तो 4 साल मिनिमम रुकना होगा. अच्छा. लेकिन जो टेन्योर है डिपॉजिट का वो पूरा 7 साल, वो 7 साल के लिए. ओके. और आप ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक के जरिए इसमें आप ये आप खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं. क्विकली, यहाँ पे वक्त थोड़ा सा कम है अब हमारे पास, लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो PSU जैसे कि IRFC है, PFC है, NHAI, ये सब जो जारी कर चुके हैं ऑलरेडी, ये ऑप्शन सीनियर सिटीजन के लिए कैसा होगा? इनफैक्ट स्वाति, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिन जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, और या उनके वो वेल वर्स्ट हैं कि भाई अगर वो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज कोई ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने इशू किए थे और लंबी अवधि के बॉन्ड्स हैं. ये जब इशू किए थे 20-20 साल के बॉन्ड्स थे और कूपन रेट जो इनपे है वो करीबन 8 और 8.5 के आसपास का होगा. लेकिन आज क्योंकि ब्याज दरें घट गई हैं, ये आपको मिलेगा करीबन 5 to 5.25 के रेंज में. मतलब जब आप अभी अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको जो ब्याज छूटेगा उस पे वो होगा 5 to 5.25. लेकिन अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो 6.5-7% आपको मिलता है. उसमें अगर आप 30% काट देते हैं तो उसके बाद आपको 5% के आसपास जाएगा. तो आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इसमें एक और एडवांटेज, जैसे मैंने कहा कि अभी भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10-12 साल की कोई भी बॉन्ड्स मिल सकते हैं. तो लंबी अवधि के लिए आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज पे लेते हैं वहीं से आपको खरीदना जी. और क्विकली हर्ष, SGB पे आपका टेक क्या है? मुझे ये ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर सोने में निवेश करने की सोच ही रहे हैं अगर किसी भी वजह से, तो एक ऐसा निवेश का जरिया जहां पर आपको थोड़ी कमाई भी हो जाती है. अगर हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर सो डेफिनेटली यस, अगर गोल्ड में आप निवेश करना ही चाहते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो कहते हैं कि मुझे गोल्ड में करना ही है, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना उस पर ब्याज कमाया जाए. तो आपने सही कहा कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं तो जो गोल्ड की प्राइसेस के जो फ्लक्चुएशन है उसका फायदा नुकसान जो भी हो वो तो आपको मिलने ही वाला है. इसके अलावा 2.5% आपको सालाना ब्याज मिल रहा है उस पे, तो क्यों ना हम कुछ कमा लें, साथ साथ में गोल्ड का निवेश भी हो जाए आपके पास. जी, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझाने के लिए. तो आज हमने बात की कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, आप रिटायर हो चुके हैं और आप चाहते हैं अपने जो जमा पूंजी से कुछ रेगुलर कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं, तो इस वक्त ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें. आपको हमने कुछ ऐसे ऑप्शंस बताए जहां पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ सिक्योर रहेगा, साथ ही आप उससे मंथली इनकम की जो नीड है वो भी पूरी कर सकते हैं. फिलहाल के लिए शो में इतना ही, लेकिन आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.